हेलो दोस्तों, एक लेटेस्ट फॉर्म आया पटना हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट का, तो आइए देखते हैं उसमें है क्या। तो जो फॉर्म है पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट पीए ऑनलाइन फॉर्म 2022, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ठीक। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का मतलब है संविदा, ठीक है। ये जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 5 मई है। 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 5 मई लास्ट डेट है। इसकी जो फीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 0 फीस है, एससी एसटी और ओएच की भी 0 फीस है। इसमें जो एज रखी गई है वो मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी 37, ये है एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका पोस्ट नेम है वो क्या है, पर्सनल असिस्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। टोटल जो पोस्टें दी गई हैं उसमें 45 पोस्टें दी गई हैं, ठीक। अच्छा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या गया दिया गया, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जिससे आप ये फॉर्म भर सकें, ठीक है। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, मतलब आप बीएससी हो, बीए हो, कोई भी हो, लेकिन आप भर सकते हैं, ठीक है। विथ सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। इसमें जो जो मैंडेटरी है वो शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, 6 मंथ का डिप्लोमा, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट से होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो आपकी होगी वो 80 वर्ड पर मिनट होगी और इंग्लिश टाइपिंग होगी वो 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। शॉर्ट हैंड 80 और टाइपिंग 40, ठीक है, इजी है, इंग्लिश 40 इजी है, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन होगा आपका। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो होगी वो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा विथ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड सीपरेट टेस्ट ऑफ इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। एंड जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, मतलब आपको कभी भी हटाया जा सकता है इसमें, ठीक। ये है पूरा फॉर्म, इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से वीडियो के अंत में पूछ सकते हैं और मैं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।